प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का किया उद्घाटन। कहा, भारत दुनिया के लिए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है आगे। पीएम ने कहा, हमारा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा को दी विकास की सौगात। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 के तहत 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से लगी भीषण आग, 6 की मौत, 59 घायल। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार से 4 लाख, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर किया जोरदार हमला। मीनाक्षी लेखी ने कहा, कट्टर ईमानदार बने भ्रष्टाचार का पर्याय। ईडी से भागते फिर रहे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाला। और दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रेलवे स्टेशन से जम्मू कश्मीर के आतंकी रियाज अहमद को किया गिरफ्तार। रियाज पर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से हथियार मंगाने और आतंकी साजिश रचने का है आरोप। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने गोवा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के नए परिसर का लोकार्पण किया। ये संस्थान जनता और सशस्त्र बलों दोनों के लिए जल क्रीड़ा और जल रेस्क्यू गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने दक्षिण गोवा में 100 टीपीडी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन किया। इसे 60 टीपीडी गीले कचरे और 40 टीपीडी सूखे कचरे को वैज्ञानिक तकनीक से प्रशोधन के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री ने पणजी और रीस मेगोस को जोड़ने वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ यात्री रोपवे की आधारशिला रखी। उन्होंने दक्षिण गोवा में 100 MLD जल उपचार संयंत्र के निर्माण की आधारशिला भी रखी। गोवा के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त 1930 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों तक सरकार की योजनाओं को 100% पहुंचाने को सच्चा सामाजिक न्याय बताया। उन्होंने कहा, जब सैचुरेशन आता है तो समाज से भेदभाव मिट जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो हर लाभार्थी तक पूरा लाभ पहुंचता है। जब सैचुरेशन होता है तो लोगों को अपना हक पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सैचुरेशन ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। सैचुरेशन ही सच्चा सामाजिक न्याय है।
यही सैचुरेशन गोवा को, देश को मोदी की गारंटी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का ध्यान ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर है। इसी दिशा में आज से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ये देश की ऐसी एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान कर रहा है और भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। भारत ऊर्जा सप्ताह का प्रमुख उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन और उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना है। इस आयोजन में कई देशों के ऊर्जा मंत्रियों सहित इस क्षेत्र से जुड़े 35,000 से अधिक लोगों की भागीदारी हो रही है। कार्यक्रम में 900 से अधिक प्रदर्शक अपनी प्रदर्शनी के साथ भागीदारी कर रहे हैं। इसमें 6 समर्पित देशों कैनेडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पवेलियन हैं। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने ऊर्जा क्षेत्र में किए गए नवाचारों का प्रदर्शन किया। इसके लिए विशेष मेक इन इंडिया पवेलियन का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ऊर्जा खपत के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। भारत में प्रतिदिन मौजूदा दौर में 19 मिलियन बैरल की डिमांड है, लेकिन साल 2045 तक ये दोगुनी हो सकती है। भारत अपनी ऊर्जा उत्पादन की क्षमताओं में लगातार वृद्धि कर रहा है और बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रहा है। भारत में बायोफ्यूल्स का एडॉप्शन तेजी से बढ़ा है। 10 साल पहले हमारे यहां पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास थी। 2023 में ये 12% से अधिक हो गई है। इससे लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है। हम 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, पिछले इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ही भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के 9,000 आउटलेट पर यही काम कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों के साथ चल रहा है, जबकि दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान 4th ही है। प्रधानमंत्री ने समृद्ध भविष्य और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में योगदान के लिए सबका आह्वान किया। ये आयोजन इंडिया विद द वर्ल्ड एंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस भावना का प्रतिबिंब है और इसलिए ये मंच आज एनर्जी सेक्टर से जुड़े विचार विमर्श और अनुभवों को साझा करने का मंच बन गया है। आइए एक दूसरे से सीखने पर, तकनीक की साझेदारी पर और सस्टेनेबल एनर्जी के नए रास्तों को तलाशने पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। Let us learn from each other. Let us collaborate on cutting-edge technologies. And let us explore avenues for sustainable energy development. हम एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो समृद्ध भी हो और जिसमें पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास केंद्र और वैश्विक ऊर्जा के लिए मांग केंद्र बन रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अंडर योर लीडरशिप इंडिया इज बिकमिंग द ग्रोथ सेंटर फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द डिमांड सेंटर फॉर ग्लोबल एनर्जी। Reflecting this position, in just 2 years, the Energy India Energy Week has become a prominent date on the global energy calendar. Seeing the turbulence in the last 2 years,
India through its market processes and otherwise has sought to play the role of a unifier in the global energy market. We need to come together and join hands in defining an energy agenda which is inclusive, market-driven and climate-sensitive. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में ONGCC सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया। ONGCC सर्वाइकल सेंटर वैश्विक मानकों के अनुरूप एक अद्वितीय समुद्री सर्वाइकल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें 10,000 से 15,000 कर्मियों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे खराब मौसम की स्थिति में नियंत्रित अभ्यास से प्रशिक्षुओं के समुद्री जीवन कौशल में वृद्धि होगी और संभावित आपदाओं से सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने इस केंद्र की विशेषताओं का अवलोकन किया और कर्मियों से जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उद्योग जगत के इन दिग्गजों ने प्रधानमंत्री के विजन की सराहना की। We were very pleased to be received here by the Prime Minister and by Minister of Petroleum. We're pleased to see the environment that Prime Minister and his government has created around to India to receive investment and also to do investment together with other companies, with other countries in many opportunity areas that we have in the world. Petrobras is already receiving investment from ONGC and from Bharat Petroleum in the Sergipe areas in Brazil, which are natural gas prone fields that we will develop together. And we're keen to develop, and I said that to the Prime Minister, develop opportunities in green hydrogen in India and in Brazil together. We really appreciate it to be invited here to the roundtable, and it's really a very progressive and pushing forward environment which we are seeing here in India, and you really see that all the initiatives from the Indian government are resulting really on bringing speed on the ground, and that's what we really see on the ground. Nayi ideas aayi hain, nayi investments aayenge India mein. Ye bhi Pradhan Mantri ne kaha ki India is a growing economy aur hum developing country se developed world hone ja rahe hain. To isse hamari jo urja khapat to badhegi hi badhegi, lekin iske sath hamara decarbonization ka jo lakshya hai wo bhi pura hoga. I think that the programs that the Prime Minister has laid out for the country are very pragmatic and really important leader in the energy transition, where for us in the LNG business, we've been with our partners in the country here since the early 2000s, and the pragmatic approach of the government targeting 15% of the energy mix from natural gas by 2030 is a really important initiative for us. And then the focus on all of the lower carbon solutions and green initiatives is great to see the leadership that the Prime Minister brings to the country. Very privileged to be part of the roundtable with Honourable Prime Minister Modi and Honourable Minister Puri, mostly because India has done a tremendous achievement, which is to create a very detailed, specific plan, not only to tackle the challenges of climate change through its environmental initiatives, but also to provide sustainable and available and affordable energy for the people in India to allow their economic growth, because we will not be able to solve the challenges of climate change without lifting people out of poverty. And that is key. That is what excites me about what India has done, what the Prime Minister and his team have done. It's a remarkable achievement. मध्य प्रदेश के हरदा शहर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हो गए। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। इन धमाकों की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि शहर में दूर दूर तक मकानों और दुकानों में लगे कांच टूट गए। प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घायलों को हरदा से भोपाल और इंदौर ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। राज्य प्रशासन ने दुर्घटना के आपदा प्रबंधन के लिए समिति का गठन किया है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। हरदा में होशंगाबाद सहित आसपास के क्षेत्र से 14 डॉक्टर तत्काल रवाना किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हादसे के घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को हमने तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएं मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबाद यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। सारी नगर पालिकाओं की हमने दमकल की गाड़ियां बुलाई हैं, साथ ही आसपास के जिलों भोपाल और इंदौर से भी हमने डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड्स की मांग की है। राहत कार्यों की समीक्षा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से एक राहत समिति बनाई जा रही है। हरदा में हुई दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु से व्यथित हूँ। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया उन सभी के प्रति संवेदना। जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। स्थानीय प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो बेहद दर्दनाक हादसा हरदा में। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सोनी भोपाल से जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे क्या स्थिति वहां पर है, किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है, जो घायल लोग हैं और क्या कुछ लोग वहां अभी भी फंसे हैं। देखिए, फिलहाल हरदा में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। भोपाल से 50 एम्बुलेंस रवाना हो चुकी हैं जो अब से कुछ ही देर में हरदा पहुंचेंगी। SDRF की टीम लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई है। तकरीबन 11:15 के आसपास एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद हरदा के मगरदा स्थित बैरागढ़ कॉलोनी है खंडवा रोड पर, जहां पर यह हादसा हुआ था, वहां पर जो आसपास के मकान थे वो उनमें दरारें आई, कुछ दीवारें गिरी और मलबे में कुछ लोग दब गए थे। हालांकि राहत और बचाव कार्य के तुरंत बाद जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। दमकल की गाड़ियां हरदा सहित आसपास के जिलों से वहां पहुंच चुकी है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा चुका है जो हरदा से इंदौर और भोपाल के लिए है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त व्यवस्था इंदौर में है और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट बनकर तैयार है। अब तक कुछ मरीजों के भोपाल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है जो घायल हैं। तो ये एक हरदा की फिलहाल जो बचाव और राहत कार्य वो युद्ध स्तर पर जारी है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या सभी लोगों को वहां से निकाल लिया गया है, जो घायल हैं उनकी इलाज की क्या कुछ व्यवस्था है और किस तरह से जो उनके परिजन है उनको भी सूचित किया गया है। देखिए, ये वहाँ पर जो अभी घायल थे उन्हें हरदा में इलाज किया जा रहा उनका, लेकिन जो क्रिटिकल कंडीशन थी उन्हें इंदौर रेफर किया जा चुका है, कुछ को भोपाल रेफर करने की जानकारी मिल रही है। 50 एम्बुलेंस जो पहुँच हरदा आपसे कुछ ही देर बाद पहुँच जाएंगी वो मरीजों को लेकर इंदौर और भोपाल के लिए रवाना होंगी। कुछ को नर्मदापुरम संभाग मुख्यालय पर भेजा गया है। जो मृतक हैं उनके लिए 4 लाख रुपए का की सहायता राशि का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात ये SDRF की टीम के साथ आसपास के जिलों की टीम भी वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को वहां भेजा था, साथ में उनके कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने पूरे स्थल का जायजा लिया है और अभी फिलहाल अधिकारी चर्चा कर रहे हैं, साथ ही बचाव और राहत कार्य का जायजा भी ले रहे हैं। बिल्कुल, आशीष आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि जांच बैठा दी गई है, क्या कुछ इसकी वजह पता लग पाई है।
देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये इसमें ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तकरीबन 10 बजे के आसपास 10 से साढ़े 10 बजे के बीच में मगरदा स्थित जो पटाखा फैक्ट्री है राजू अग्रवाल की, वहां पर आग लगी और 11:15 बजे एक बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट का धुआं और आग की लपटें इतनी ऊंचाई पर थी कि 30 किलोमीटर तक वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। इसके बाद जब वहां जानकारी मिली इस हादसे की तो तुरंत कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और वो कॉलोनी लोगों से खाली करवाई। जी जी आशीष, बेहद दर्दनाक हादसा है, आप इस पर नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर करारा हमला किया। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि वो प्रवर्तन निदेशालय के समन का जवाब कब देंगे। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को बेईमान करार देते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की पूरी व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। मैं ये प्रश्न सीधे तौर पर करूं कि व्हेन आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर दी ईडी। 3 सीटी स्कैन है दिल्ली के 1.3 करोड़ लोगों के ऊपर। स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बेड्स यहाँ पर नहीं है, तो पूरी दिल्ली को वेंटिलेटर पर, व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डालने का काम जो है वो केजरीवाल ने किया है। और जो लोग वायदा करके आए थे कि हम सबसे ज़्यादा ईमानदार, कट्टर, ईमानदारी का वायदा करने वाले लोगों ने आज कट्टर बेईमान लोग कौन होते हैं उसको परिभाषित कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरती आप पार्टी को आत्मविश्लेषण करने की सलाह दी है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप नेता आतिश के भाजपा पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। आतिशी जी, आपकी सहेली कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप लोग शराब घोटाले में लिप्त हैं, क्या कांग्रेस पार्टी भी आपके खिलाफ है? और आतिशी जी, ये भी बताइए कि जब आप अन्ना हजारे मूवमेंट में थे तब आप कहते थे पहले इस्तीफा होगा फिर होगी जांच। आज इस्तीफा तो दूर की बात, ना जांच में शामिल हो पाते हैं और इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। अगर कुछ मिला ही नहीं, अगर कुछ है ही नहीं, तो कोर्ट में जाकर केस को कॉश करवा देना चाहिए। परंतु आज चाहे दवा हो, चाहे दारू हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे लैब टेस्ट हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे शीश महल हो, ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर आम आदमी पार्टी ने लूटा नहीं। दिल्ली पुलिस ने रेलवे स्टेशन से जम्मू कश्मीर के आतंकी रियाज अहमद को गिरफ्तार किया है। रियाज पहले भारतीय सेना में था और जनवरी 2023 में रिटायर हुआ था। इस पर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से हथियार मंगाने और आतंकी साजिश का आरोप है। इसके 3 साथियों को कुपवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया था लेकिन ये फरार था। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में विचार एवं पारित करने हेतु रखा गया। विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी है। आपको बता दें कि इस विधेयक के जरिए अब पेपर लीक और परीक्षा में नकल के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक के पारित हो जाने के बाद ये कानून सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं पर लागू होगा। इस कानून के जरिए केंद्र सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में होने वाली नकल पर नकेल कसने के लिए तैयार है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पर बोलते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से वाटर एक्ट 1974 में संशोधन लाकर पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाना आसान होगा। द बिल
propose some significant changes in the Water Act 1974, which will not only give impetus to industries, but also makes progress towards environmental protection. By this present amendment, under Section 4 of this Water Act, is proposed to be amended to streamline and uniform the qualification and manner of appointment of chairperson of State Pollution Control Board. The amendment will provide for a certain mandatory qualifications, experience, and procedure to ensure fair and transparent appointment of chairperson. केंद्रीय अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2024 पर बोलते हुए कहा कि सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, जब वे भी तरक्की करेंगे और आत्मनिर्भर होंगे, तब भारत भी आत्मनिर्भर होगा। देश में ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय मिले, इस सरकार की प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है, और इसका उद्देश्य यही है कि उन लोगों के माध्यम से, उनकी आत्मनिर्भरशीलता से भारत आत्मनिर्भरशील बने। वो जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन्हें जब हम आगे लेकर के आएंगे तो देश स्वतः आगे बढ़ेगा। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में 1 लाख से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। बीते एक दशक में MBBS और PG की सीटें डबल हो चुकी हैं, ताकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डॉक्टर की बहाली हो और लोग उन्हें सस्ती दवाएं और स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराएं। देश में हर नागरिक को सस्ती दवाएँ मिले, और मोदी सरकार की रीति नीति और कार्य पद्धति रही है, मोदी जी ने कोई विषय को कभी टोकन में नहीं सोचा है, टोटल में सोचा है। और एक समय था, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर कोई कहते थे कि हमें एक हॉस्पिटल दे दो, तो उसको हॉस्पिटल दे दी जाती थी, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, टोटल अप्रोच के साथ मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को देखा और ये लक्ष्य पर आगे बढ़े। हेल्थ एक्सेसिबल होना चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होना चाहिए। हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज देश में कार्यरत है। वैसे ही जब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाते हैं तो वहाँ डॉक्टर चाहिए, तो मोदी गवर्नमेंट ने देश में MBBS की सीट डबल करी। पहले 350 मेडिकल कॉलेज होती थी, आज 707 मेडिकल कॉलेज हो गई। देश में 1,07,000 MBBS की सीट हो गई, PG की सीट भी डबल हो गई, ताकि देश के आयुष्मान आरोग्य मंदिर और हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध हो। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ऊर्जा मंत्री आरके सिंह नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड संबंधित समस्याओं पर सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल का उन्होंने जवाब दिया। इट इज ट्रू दैट रिन्यूएबल एनर्जी इज वेरिएबल, बट देयर आर वेज ऑफ मैनेजिंग इट, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, एंड दैट इज व्हाई आवर ग्रिड इज स्टेबल। गॉड फॉरबिड इफ आवर ग्रिड बिकेम अनस्टेबल बिकॉज वी हैव वन ग्रिड कनेक्टिंग द होल कंट्री विल बी अवेयर ऑफ इट। I mean, did any of the members feel any instability at all in the grid? They would not have. That's because we are managing the variability by a number of methods. We have set up 13 renewable energy management centers, whose sole task is to keep monitoring the generation in various from renewables, especially solar and wind. Solar and wind are the variables in different corners of the country. लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन को DMK सांसदों द्वारा अपमानित किए जाने का मामला उठाया गया। इसी मुद्दे पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने DD न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए कहा कि तमिलनाडु में बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने प्रयास किए हैं। स्टालिन की सरकार बिल्कुल सोती रही, और जब हमने ये बताने की कोशिश की तो ए राजा और TR बालू के द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। TR बालू ने मिसबिहेव किया, पार्लियामेंट्री वर्ड भी यूज किया। आई टोल्ड यू आर पुटिंग इररिलेवेंट क्वेश्चन, सो दैट ओनली आई, बट ही सडनली केम अप, ही टुक इन माय पर्सनल दिस एंड ही स्टार्टेड टू अब्यूज मी, ही स्टार्टेड
Already they are abusing in Tamil Nadu. Raja, you told, he's not a Raja, he's abusive Raja. He's always abusing Hindu, Sanadana Dharma. He's like that. They're TR Balu, see, they are speaking only social justice in the mouth only. They're not following the social justice. As an SC minister, he told unfit minister, it is an unparliament, it is an undigestionable, it is an unfortunate. So Rajas, we can't, sorry, I can tell that, you don't compare with me, Raja. उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2024 पेश किया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारत के संविधान की एक कॉपी के साथ सदन में पहुंचे थे. सदन में पहुंचने के बाद सीएम ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2024 पेश किया. मुख्यमंत्री धामी ने बिल पेश करने से पहले कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है. पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड की तरफ हैं. समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी. यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है. समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 विधानसभा में पेश होने पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पूरी प्रदेश सरकार का आभार जताया. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पेश कर दिया है. इस पर दूरदर्शन संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से बात करते हुए पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद तीरथ सिंह रावत हमारे साथ हैं. सर, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर विधेयक पेश हुआ. देखिए, आज इस बात की खुशी है कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो कि यूसीसी बिल को विधानसभा के अंदर पास होगा. 3 दिन पहले कमेटी ने रखा था. कमेटी ने पूरा सभी समुदायों से लेकर पूरे उत्तराखंड से सभी जिलों से एक पूछते हुए और बातचीत करते हुए और ड्राफ्ट तैयार किया. और मैं कह सकता हूँ देश हित में, राष्ट्र हित में ये यूसीसी बिल जो आ रहा है. विपक्ष साथ देता दिखाई नहीं दे रहा है. कांग्रेस पार्टी चुप है. तमाम जो एनडी गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी स्वागत नहीं कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं. उत्तराखंड में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. और दूसरा विषय मेरा है कि जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो राजनीतिक बात कर रहे हैं, वो हल्की बात कर रहे हैं. लोगों ने भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं कि साहब धर्म आड़े आएगा, पूजा पद्धति पे आपका आड़े आएगी. ये कहीं उसमें उल्लेख नहीं है. आप अपने धर्म के अनुसार, आप अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपना पूजा पाठ कर सकते हैं. मोदी जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, तो जब ये बात होती तो क्यों नहीं फिर सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए. उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता को लेकर बिल आया है उस पर बात कर रहे थे कैमरामैन एसपी दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद उनसे उनके आवास पर मुलाकात की. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद उनसे उनके आवास पर मुलाकात की. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज पटना में वित्त विभाग का कार्यभार संभाल लिया. कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का मकसद गरीब कल्याण है और हमने 94 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है. चाहे प्रधानमंत्री जी का आपने देखा हो या मुख्यमंत्री जी, कल ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्यमी योजना, लोग कहते थे 10 लाख नौकरी, अब तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट हम लोगों की सरकार ने लिया है. 94 लाख लोगों को हम सीधे रोजगार देने का काम करेंगे.
अंग्रेजी पुस्तक द फूल्स और फास्ट के लेखक एल सोमी रॉय और डॉक्टर थांग्यम हिंदुस्तानी देवी ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ नई दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संवाद किया। ये पुस्तक भारतीय प्राचीन कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों पर आधारित पुस्तक है, जिसमें लेखक ने चित्रों का बखूबी इस्तेमाल किया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वयं पुस्तक के एक अध्याय को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, यह पुस्तक भारतीय प्राचीनतम मूल्यों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। श्री रामलला की प्रतिष्ठा के बाद से ही भक्तों का सैलाब रामनगरी में अपने इष्ट के दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहा है। इसी कड़ी में आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन को पहुंचे। और सीधे आपको कर्तव्य पथ ले चलते हैं, जहां पर गोयल भारत राइस लॉन्च कर रहे हैं। और समय समय पर ये भावना, ये एहसास होता रहे कि देश की सेवा, देश के गरीबों की, देश के महिलाओं की, देश के युवाओं की, देश के अन्नदाताओं की सेवा करना हम सबकी प्राथमिकता है, हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। ये भावना इस देश में उजागर करने के लिए जो इस कर्तव्य पथ का सौंदर्यकरण भी हुआ, इसमें अमृत वाटिका भी बनाई गई। और मैं समझता हूं जिस निष्ठा के साथ, जिस समर्पण के साथ श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसके लिए सदैव हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृतज्ञ रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने हम सबको प्रोत्साहित किया कि हम समाज के हर वर्ग की चिंता करें, जिस प्रकार से उन्होंने हमें मार्गदर्शन दी कि एक तरफ किसानों को सही मूल्य मिले, दूसरी तरफ उपभोक्ता को भी कम कीमत पे रोजमर्रा की जरूरतों को उपलब्ध कराया जाए, गरीबों को तो मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए, ये जो सोच है जो समाज के हर वर्ग की चिंता करती है, वास्तव में इसने भारत को अब अमृत काल में नए दिशा में बड़ा सोच के साथ तैयार किया है, देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आभार देना चाहूंगा हमारे अन्नदाताओं का, जिनके कठोर परिश्रम से देश कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किसानों और गरीबों का जीवन संवारना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, मेरे लिए आप ही मेरा परिवार है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है, उनके दिल में जो गरीबों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति जो संवेदना है, उसी के फलस्वरूप हमारा विभाग मोदी जी के प्रेरणा से नए नए कार्य कर रहे हैं, नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि गत 10 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरा इस विभाग के काम का अमूलचूल परिवर्तन किया है, जो सोच बदली है, उससे हमारे किसान भी, हमारे उपभोक्ता भी, दोनों को संतुलित तरीके से लाभ मिला है। आप देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने गत 10 वर्षों में लगभग ढाई गुना ज्यादा MSP पर अनाज खरीदा, गेहूं हो, पैडी हो, जिसके बाद चावल बनाया गया,
2004 से 14 के निस्बत 14 से 24 के बीच ढाई गुना ज्यादा अनाज केंद्र सरकार ने और पूरा खर्च केंद्र सरकार इसमें करती है, एक रुपया भी किसी और पे बोझ नहीं होता है, शत प्रतिशत राज्य सरकारों को पैसा दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा और उसके तहत करोड़ों किसानों का जीवन भी संवारा जाता है, उनको सुनिश्चित होता है कि समर्थन मूल्य कीमतों पर MSP पर उनका पूरा अनाज लिया जाता है और वो चैन से अपनी खेती कर सकते हैं, उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आज देश का हर किसान इस बात पे संतुष्टि लेता है कि अगर वो चावल और गेहूं बनाए तो उसको केंद्र सरकार खड़ी है पूरी तरीके से खरीदने के लिए। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया कि वो श्रीअन्न जो मोटा अनाज है उसको भी खरीद बढ़ाए, दलहन और तिलहन की खरीद भी जो पहले ना के बराबर थी, नमस्कार अश्विनी चौबे जी, जो तिलहन और दलहन की खरीद लगभग ना के बराबर थी 2014 के पहले, उसको भी खरीद कर एक देश भर में किसानों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, देश को तेल में और दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने भरपूर भंडार भरे, अन्नदाताओं ने भरपूर उत्पादन किया अनाज का, उसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 3.5 वर्षों से देश में मुफ्त में हमारे 81 करोड़ गरीब भाई बहनों को अनाज मिलता है, हर महीने मिलता है। देश के 5,00,000 दुकानों में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कोई भी दुकान में जाके किसी भी समय और कितनी भी मात्रा में अगर टुकड़ों टुकड़ों में भी लेना चाहे तो जो 81 करोड़ लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के, वो देश में 5.25 लाख फेयर प्राइस शॉप से जाकर अपने अनाज का जो लाभ है जो मुफ्त में, और उसका भी पूरा पैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र सरकार देगी ये फैसला करके एक गरीबों को मुक्त किया इस चिंता से कि कभी कोई गरीब को बिना भोजन सोना ना पड़े, कभी किसी का चूल्हा बुझे ना, बंद ना हो। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 वर्षों के लिए 2028 दिसंबर तक सुनिश्चित कर दी गई है और 81 करोड़ गरीबों को दिसंबर 2028 तक अब मुफ्त में चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। मित्रों, जब जब देश में महंगाई का संकट आया, पुरानी सरकारों ने कभी उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में बताया कि कैसे पिछली सरकारों में दो डिजिट में, डबल डिजिट में 11-12-14% तक महंगाई रहती थी, उल्टे 1974 में तो महंगाई की रेखा 30% पार कर गई थी। पिछली सरकारें कुछ ना कुछ बहाना लगा के इस बात को नजरअंदाज कर देती थी
कि कैसे गरीबों को, निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को इस तकलीफ से, परेशानी से गुजरना पड़ता था। बड़े बड़े नेताओं ने वादे तो बहुत किए 2014 के पहले, लेकिन कोई कठोर कदम नहीं उठाए जिससे गरीबों को, निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को, मध्यम वर्ग परिवारों को सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी थाली में उनके ऊपर बोझ ना पड़े, महंगाई को नियंत्रण में रखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब आई तब उन्होंने सबसे पहले तो जिस प्रकार से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, महंगाई की सूचना ली जाती है, उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया। कहा पहले 100 से भी कम स्थानों से महंगाई की जानकारी ली जाती थी, आज लगभग 550 स्थानों से, देश भर में 550 स्थानों से, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से, हर कोने कोने से महंगाई की सूचना रोज केंद्र सरकार इकट्ठा करती है। इस सूचना के तहत जब जानकारी जब मिलती है कि कोई इलाके में तकलीफ है, कोई इलाके में कोई चीज की महंगाई बढ़ रही है, तो केंद्र सरकार एक 2014-15 में नई योजना लेके आई, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, PSF। ये योजना 2014 के पहले नहीं थी। पिछली सरकारों ने कभी चिंता नहीं की कि कैसे संतुलित तरीके से, जिससे किसानों को भी कोई नुकसान ना हो और उपभोक्ता के ऊपर भी बोझ ना हो, कैसे बिचौलिए या दलाल या मध्यस्थ करने वाले लोग मार्केट में चीजों के दाम सस्ती में खरीद के महंगे में लोगों को बेचकर बड़ा मुनाफा करते हुए लोगों के ऊपर बोझ जिस प्रकार से 2014 के पहले डालते थे, उसको रोकने के लिए ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मोदी जी के नेतृत्व में 2014-15 में पहली बार स्थापित किया गया। और मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी है कि गत वर्षों में 27,500 करोड़ रुपए इस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से केंद्र सरकार ने 100% खर्चा किया, जिससे समय समय पे जब जब किसानों से कोई सामान खरीदना पड़े जिससे उनको उचित मूल्य मिले उनके उत्पादन का, उनके ऊपर बोझ ना हो या सस्ते दामों पे उनको अपना सामान, उनका उत्पादन बेचना ना पड़े, और साथ ही साथ उपभोक्ता को महंगा सामान से बचाने के लिए सब्सिडाइज करके केंद्र सरकार ने वो बोझ अपने ऊपर लेते हुए उपभोक्ता को सही कीमतों पे पर्याप्त मात्रा में उनके रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का काम गत वर्षों में किया। जब ध्यान में आया कि सिर्फ होलसेल इंटरवेंशन से पूरी तरीके से उपभोक्ताओं को या उपभोक्ताओं तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि NCCF और उसके अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं श्री विशाल सिंह जी, आइए विशाल जी, आपका भी परिचय सबके साथ हो, और आपके MD भी है, आइए मैडम। श्री विशाल सिंह जी NCCF के चेयरमैन, मैडम हैनी उनकी MD, हमारे NCCF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रितेश चौहान जी, सॉरी मैफेड के MD हैं रितेश चौहान जी, केंद्रीय भंडार सिंह। कर्तव्य पथ से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने
भारत राइस को लॉन्च कर दिया है और इस समारोह के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार जो है गरीबों के साथ, सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, उनके कल्याण के लिए तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना भी 2028 तक के लिए कर दी गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नई दिल्ली में 9 फरवरी से 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। सुशासन महोत्सव का विशेष पूर्वावलोकन के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि देश में योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। महोत्सव का उद्देश्य ही लोगों को जागरूक बनाना है। देश में क्रियान्वयन बहुत सही ढंग से हो रहा है और इसलिए जो इम्प्लीमेंटेशन के नए नए सफल प्रयोग हुए हैं उसकी जानकारी देना, उसके बारे में भी आकलन बनाना इस सुशासन महोत्सव का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री के साथ नेपाल के खेल मंत्री बहादुर लिंबू के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आगाज हो चुका है। पहली बार आयोजित हो रहे इस प्रतियोगिता का उद्घाटन आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान किया। दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री के साथ नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिंबू और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि दुनिया के 25% आबादी वाले बिम्स्टेक क्षेत्र के युवा इस चैंपियनशिप के जरिए सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जुड़ेंगे। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 की शुरुआत आज भारत में हुई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काठमांडू में बिम्स्टेक की समिट के दौरान इसकी प्रस्तावना की थी कि ये पूरा रीजन एक साथ प्रगति और विकास करे। ये सोच लेके प्रधानमंत्री जी चले हैं, दोस्ती बढ़े, मित्रता बढ़े। मुझे लगता है बहुत अच्छा अवसर है युवाओं को एक दूसरे को जानने का, परंपराओं को, एक दूसरे के कल्चर को जानने का और खेलों में भी और अवसर मिलने का। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिंबू ने बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सदस्य देशों के लिए अहम हैं। इस तरह का प्रोग्राम कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू होने से जो संबंध भी और प्रगाढ़ बन जाएगा, मैं इसको समर्थन करता हूँ। और खिलाड़ी को जिन वित्तीय विकास के लिए और खेल का प्रबंधन के लिए ऐसा कार्यक्रम को कंटिन्यू होने से भारत सरकार को तरफ से यो बिम्स्टेक या चैंपियनशिप को शुरुआत हुआ है, ये मैं सराहना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुँचे प्रतिभागी भी बेहद उत्साहित नजर आए। इंटरनेशनल करियर के लिए तो बहुत अच्छा ही रहेगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज के आगे बहुत अच्छी मिल सकती हैं और इंडिया में पहली बार हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। इंडियन स्विमर्स के लिए बूस्टअप है कि इसके बाद इंटरनेशनल और हों। हम लास्ट थोड़े दिनों से टेपर कर रहे हैं। ये अच्छा कॉम्पिटिशन है हमारे लिए क्योंकि एक्सपोजर मिलता है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ स्विम करेंगे तो फन भी होगा। दिस गुड अपॉर्चुनिटी दिस कॉम्पिटिशन टू इंडियन टीम एंड वेल प्रिपेयर वाटर पोलो टीम्स गर्ल्स एंड बॉयज, सो वी आर डूइंग माई बेस्ट एंड ऑल टीम बेस्ट। We've been preparing for this for quite a while now. We've been excited because this is the first time this event is being held and we are looking pretty forward to it.
पहली बार आयोजित हो रहे बिम्सटेक एक्वेटिक चैंपियनशिप में सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के करीब 400 से अधिक खिलाड़ी एक्वेटिक चैंपियनशिप में पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। बिम्सटेक एक्वेटिक चैंपियनशिप सदस्य देशों के बीच खेल भावना को बढ़ाने का एक अहम कदम है। इस मंच पर 7 सदस्य देशों के खिलाड़ी प्रतियोगिता करते नजर आएंगे। वहीं खिलाड़ियों को इस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी प्राप्त होगा, जो इन्हें आगामी मुकाबलों में एक बेहतरीन मंच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।